वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अ रेनी डे इन माय लाइफ। ये सीज़न मेरा मोस्ट ऑफ द फेवरेट सीज़न है बिकॉज इस सीज़न में मेरी बॉडी अच्छे से हील हो पाती है। रात से ही बारिश होना स्टार्ट हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना रेनी डे शेयर कर दूँ। सो सुबह मैं उठ गई थी, बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा था, काफ़ी फ्रेश हेयर आ रही थी, विंडो मैंने ओपन करके ही रखी थी बिकॉज काफ़ी अच्छी एयर आ रही थी, बहुत अच्छा ऐसे ठंडा सा वेदर था, बहुत अच्छी नींद आ रही थी और आँख भी नहीं खुल रही थी। सो उठने के बाद मैं अच्छे से अपने बेड को बना लेती हूँ। इसके बाद मैं फॉलो कर लेती हूँ अपने मॉर्निंग रिचुअल्स, लाइक ब्रश कर लेती हूँ, फ्रेश अप हो जाती हूँ जिससे कि मैं पूरे दिन के लिए रेडी हो जाऊँ। आज का वेदर इतना अच्छा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर ब्रश कर लूँ, इससे मुझे अच्छे से फ्रेश एयर भी मिल जाएगी और हमारा ब्रश भी हो जाएगा। मेरे ना एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो इस टाइम पे मैं मॉर्निंग में थोड़ा बहुत स्टडीज़ कर लेती हूँ। मॉर्निंग में वैसे भी मैं स्टडीज़ हमेशा करती हूँ बिकॉज़ मुझे मॉर्निंग में मेरा कंसंट्रेशन पावर काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ रहता है और मैं अच्छे से स्टडीज़ कर पाती हूँ। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ शोर वगैरह भी नहीं रहता है तो हम काफ़ी अच्छे से पढ़ पाते हैं। सो मैं 1.5 आवर्स पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसके साथ साथ मैंने लिकवॉर्म वाटर ले लिया है और उसे मैं सिप सिप करके आराम से पी लूँगी। अब टाइम आ जाता है क्लीनिंग का तो अच्छे से हम अपने रूम की क्लीनिंग कर लेंगे। अब चाहे कोई सीज़न हो, क्लीनिंग तो हमें करना ही होता है डेली, बट मॉनसून सीज़न में थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी होती है बिकॉज इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, उन्हें अच्छे से क्लीन करना रहता है। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रही हूँ पापड़ी चाट, सच में ये फ़र्स्ट टाइम है। सो इसके लिए मैं अनियन एंड टोमेटोज को अच्छे से चॉप कर लूँगी बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में। नेक्स्ट मैं पापड़ी को ऐसे एक प्लेट में रख लूँगी। सो इसमें मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड आलू। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाइक अनियन, टोमेटोज, कर्ड, ग्रीन चटनी एंड सेव। सच में गाइस ये काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ था, लाइक फर्स्ट टाइम था उस हिसाब से काफ़ी अच्छा था, काफ़ी यमी बना था और घर में भी सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सच बताऊँ तो मुझे ना इसका प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, मतलब सब कुछ अच्छे से ऐसे ऐड करना, उसके ऊपर टॉपिंग वगैरह बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। और जैसे ही मैंने फ़र्स्ट बाइट उठाई ना, सच में वो ऐसे ट्राईपॉड में फंस के गिर गया नीचे। इसके बाद हम सब ने इन्जॉय किया और भी हमने प्रिपेयर कर लिया था हम सब के लिए। ब्रेकफास्ट करने के 10 मिनट्स बाद मैं चली जाती हूँ साड़ लेने, तो ये रहे मेरे कम्फी से क्लोथ्स जो आज मैं पेयर करने वाली हूँ। और ये रहे मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल मुझे फेस वॉश करना है, रोज़ वाटर अप्लाई करना है, देन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, सनस्क्रीन अप्लाई करना है एंड अपनी बॉडी को भी मॉइस्चराइज़ करना है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्रॉक क्लिप्स की हेल्प से अच्छे से अपने हेयर्स को टाई कर लेंगे, एक बन बना लेंगे, उसके बाद अच्छे से अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे। सो मॉनसून सीजन में आपको अपने स्किन का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना होगा, बिकॉज इस टाइम पे अगर हम थोड़ा सा भी बारिश में भीग रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे फेस में जर्म्स बैक्टीरिया का बिल्डअप होगा, इससे हमें एक्ने पिंपल प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी। इसीलिए आपको ट्वाइस अ डे फेस वॉश करना है, किसी भी नीम वाले फेस वॉश को यूज़ कर सकते हो जिससे कि एक्ने पिंपल वाले जो बैक्टीरिया हैं वो अच्छे से किल कर पाए। इसके बाद आप रोज़ वाटर अप्लाई कर सकते हो, एंड देन आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र, और सनस्क्रीन को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, बिकॉज अभी भी हमें सनस्क्रीन लगाना है, भले ही बहुत ही ज़्यादा बादल भी हो रहे हैं फिर भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बाद मैं आ जाती हूँ खाना खाने, और ये वाली क्लिप मैंने शूट करना ही भूल गई थी सच में। सो ये पुराने वीडियो के क्लिप है, मैंने उसे ऐड कर दिया। इस टाइम पे मैं खाना खाती हूँ, तो सिंपल मेरा खाना रहता है जो एज अ यूज़र सब खाते हैं। इवनिंग टाइम में मैंने अपने और अपनी मम्मा के लिए चाय बनाई थी, बिकॉज इतना अच्छा वेदर हो रहा था तो ये तो बनता है। चाय के साथ मैंने कुछ स्नैक्स ले लिए हैं, यहाँ पे मैं होममेड स्नैक्स ही ले रही हूँ। चाय बनाते बनाते वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था सच में, ऐसा लग रहा था कितनी बारिश होगी, लाइट भी चली गई थी, और ये देखो लाइट चली गई। सो इसके बाद बहुत ज़्यादा ढेला हो गया था और बहुत ज़्यादा तूफान जैसे आ गया था। सो यही था। जब भी बारिश वाला सीज़न रहता है ना तो मुझे ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक काफ़ी अच्छे से हम बैठ के अच्छे से इंजॉय करते हैं और पानी गिरता रहता है। आई एम श्योर आप लोगों को भी ये काफ़ी अच्छा लगता होगा इस टाइम पे। उस टाइम बाद तूफ़ान वगैरह बंद हो गया था, उसके बाद मेरा थोड़ा ऐसे सूपी मैगी खाने का मन हुआ, बिकॉज ऐसे बारिश वाले मौसम में सूपी मैगी इज़ अ मैंडेटरी मेरे लिए। सो मुझे सूपी मैगी विंटर्स और रेनी सीज़न में पसंद है, बाकी नॉर्मल वाले मैगी मुझे हर सीज़न में पसंद है, बट ये मेरी ज़्यादा मुझे ये ज़्यादा पसंद है आई मीन। तो ऐसे ही मैं बॉयल ही कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसे मैगी को बॉयल करके और मसाला वगैरह ऐड करेंगे, थोड़ा सा साल्ट ऐड करेंगे और हमारी मैगी बन गई। बट हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा ऐसे कच्ची वाली मैगी ज़रूर खानी है, ये मैंडेटरी है। मुझे पता है आप लोगों से बहुत सारे लोग ये करते भी होंगे। सो अब मैं अपनी मैगी को इंजॉय करती हूँ। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट एंड शेयर जरूर करना है। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।